Hey guys, this is Vishal and welcome to Weekly Market Update. Weekly Market Update में आपका स्वागत है और कुछ हफ्तों के बाद कर रहे हैं, बीच बीच में स्किप हो गया। बीच में हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, एनीबडी कैन ट्रेड बूट कैंप, और वहां पे हजारों लोग जुड़े थे और उसके अंदर ही मैंने एक पूरा प्रॉपर मास्टरमाइंड भी किया था, क्योंकि हमारा सबसे फेवरेट प्रोग्राम विच इज एनीबडी कैन ट्रेड फिर से आ चुका है और अगले हफ्ते हो रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो क्या वेट कर रहे हो, वहां पे जाके टिकट्स बुक करो। एबीसीटी की दो तरह के टिकट्स है, जो भी आपको चुनना है चुन सकते हो, राइट। बहुत सारी चीजें इस बार एबीसीटी में, 3 दिन का एबीसीटी, 3 दिन का ओपीएल और 3 दिन का आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस कोर्स, ये सारी चीजें हैं बेसिक में भी और एडवांस में और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ। चॉपीनेस, वॉलेटिलिटी और ऊपर नीचे जो आप देख रहे हो, जो मैं 2024 के स्टार्ट से बोल रहा हूँ कि दिस गॉन्ट बी अ डिफरेंट ईयर, इट्स नॉट गॉन्ट बी ईजी, मतलब इतना आसान नहीं होगा जितना 2023 था। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ते में और क्या हुआ और अगले हफ्ते में क्या हो सकता है। सो वी गो विथ शेयर द स्क्रीन and start with weekly market update for this week, right? So let's talk about Indian markets, जहाँ पे आप देख रहे हो सबसे interesting चीज क्या है। यहाँ पे Nifty मतलब 2-3 हफ्ते से उधर के उधर ही घूम रहा है, बाय 21,700 ऊपर में 22,000, 21,700 और आज वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सबसे important मैं जो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको daily chart पे दिख रहा है कि वो है daily chart पे, वो 60 पे है और वीकली चार्ट पे वो 60 पे नहीं है, वीकली चार्ट पे उधर डाइवर्जेंस है क्योंकि ये क्लोजिंग हाई है और डाइवर्जेंस है और मंथली चार्ट ठीक ठाक है। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी भी डेली 60 से टर्न मार सकता है अगर मंडे को नीचे खुला, और अगर मंडे ऊपर खुला तो ब्रेकआउट हो जाएगा और वो ब्रेकआउट सस्टेन भी होना चाहिए। कभी 100 पॉइंट 50-100 पॉइंट के लिए ब्रेकआउट हो जाता है लेकिन टिकता नहीं। सो दैट्स वन और नोटिस, मतलब इट्स लाइक अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। मेक और ब्रेक मतलब अगर नीचे खुलेगा तो ट्रिपल टॉप हो जाएगा, रेंज शिफ्ट हो जाएगा तो मैं शॉर्ट के बारे में सोचूंगा, और ऊपर लॉन्ग साइड पे मतलब ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर तो वो टॉप डाउन अप्रोच, मतलब सभी बुलिश हो गए वापस, मार्केट फिर से नया हाई। अब ये देखना है अगले हफ्ते में क्या होता है। उसके बाद बैंक निफ्टी देखते हैं, जो एक अच्छा खासा डिक्लाइन और रिट्रेसमेंट के बाद एक वो भी एक कंसोलिडेशन, अगर आप देखो तो 47,000 और 45,000 के बीच में रेंज बाउंड है 2-3 हफ्ते से, उसमें बड़े बड़े एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड कितनी बार कैंडल्स आई, विच इज अ टिपिकल साइडवेज चॉपी मार्केट। अभी फिर से वो रेजिस्टेंस पे आके रुका है, विच इज अराउंड 47,000, 46,800, 9,000, डबल टॉप डब्ल्यू पैटर्न जैसा बन रहा है। तो यहाँ पे भी मेक और ब्रेक है, क्योंकि अगर ये फिर से नीचे आ गया तो ये डब्ल्यू की जगह पे ट्रिपल बॉटम बनाएगा, और ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो डब्ल्यू ब्रेकआउट होगा, बट ऊपर ब्रेकआउट होने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है क्योंकि ऊपर बहुत बड़े रेजिस्टेंसेस है। तो चलिए मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से दिखेगा। बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप प्राइस एक्शन को समझो अच्छे से ताकि आप इसको इंप्लीमेंट कर सको। यहाँ पे आप दिख रहा है कि चलो मैं इसको और बड़ा करता हूं। सो इफ यू सी दिस इज प्रॉपर लाइक डब्ल्यू पैटर्न विच यू कैन सी, डब्ल्यू पैटर्न में एक बॉटम यहाँ पे, एक बॉटम यहाँ पे, एक आउटसाइड है, एक इनसाइड है, वो भी बराबर है, एक 60-40 के नीचे है, एक 40 रेंज शिफ्ट पे भी है, विच इज ऑल्सो गुड, राइट। नाउ कम्स कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आप दिख रहा है कैसे दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट, राइट, और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस और वापस वहीं पे आके अटका है। दिस कॉल्ड चेंज इन पोलैरिटी ऑल्सो, सो दैट्स वेयर इट इज राइट नाउ। लेट्स सी If it crosses the high, तो W pattern confirm होगा, लेकिन problem कहाँ है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा gap है ये वाला, तो वो इसीलिए last time भी इधर आके अटक गया, वापस इधर ही आके अटक सकता है, but नीचे जाएगा तो नीचे उसके पास एटलीस्ट इतना जगह तो है जहां से शुरू किया था, 100 और वापस 1500 पॉइंट जो ऊपर नीचे 4-5 दिन से ऊपर नीचे फिर से एक बार नीचे हो सकता है। सो दिस इज द सिनेरियो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सी चेस खेलते हैं ना कि सामने वाला क्या खेलेगा उस हिसाब से मैं अपना ट्रेड करूं। तो आज मैं भी मार्केट में चेस की तरह सोच रहा हूं कि अगर ये होगा मार्केट तो मैं ये करूंगा, वो होगा तो ये होगा, और ये कुछ नहीं करेंगे तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। जस्ट डोंट गेट फिक्सेटेड, मेरे को सुबह मंडे को खरीदना ही है बेचना है। अब मार्केट के हिसाब से अपना एक्शन
डिसाइड करोगे. नाउ लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स वेयर आई होप दिस मेक्स सेंस. मार्केट मूड थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि लास्ट वीक थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था. सो थोड़ा सा डर है मार्केट में. और फ्यूचर स्टॉक्स में काफ़ी ग्रेटर देन 20 मूविंग एवरेज फिर से पॉजिटिव है. 52 वीक हाइज भी पॉजिटिव है और 52 वीक लोज नीचे जा रहे हैं. तो ओवरऑल मार्केट स्ट्रेंथ सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग जो इस बार लास्ट दो हफ्तों से है वो है ऑटो, जो हमारा फेवरेट है लास्ट इतने महीनों से, जब से हमने अपोलो टायर का ट्रेड किया था, उसके बाद टाटा मोटर्स और अभी वापस टीवीएस मोटर और सारे स्टॉक्स ऑटो के स्ट्रॉन्ग है. दूसरा है रियलिटी, जो उसका भी डबल टॉप बन रहा है, ट्रिपल टॉप बन रहा है, तो ध्यान से डेली चार्ट पे थोड़ा सा अटक सकता है. सो वी हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट. इंफ्रा पॉजिटिव, ऑल थ्री आर एस अब 60, नथिंग टू वरी. फार्मा फिर से और पॉजिटिव होते जा रहा है, राइट. एफ एम सी जी नीचे, देखो लास्ट दो महीने में आपने देखा कितना बड़ा एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया और मार्केट अभी का अभी ऊपर का ऊपर है. सो दिस वॉज अनदर थिंग विच आई वॉन्टेड टू पॉइंट इट आउट. कभी कभी ना मार्केट में जो बहुत लोग देख रहे हैं ना कि करेक्शन आएगा करेक्शन आएगा करेक्शन आएगा, वो करेक्शन आता नहीं, निफ्टी पे नहीं दिखता है. निफ्टी पे क्यों नहीं दिखता, क्योंकि रिलायंस भाई साहब को ऊपर रखा है, लेकिन फॉर एफएमसीजी का तो 10% 15% का कन्वर्स करेक्शन हो गया. सो दैट वे वी डोंट इवन नो करेक्शन. इसको बोलते हैं रनिंग करेक्शन. रनिंग करेक्शन मतलब निफ्टी उधर का उधर और अंदर अंदर सेक्टर का करेक्शन होते जा रहा है. एनर्जी स्ट्रांग अभी भी ऑल टाइम हाईज के नजदीक है और आईटी फ्रेश ब्रेकआउट, नैसडैक भी ब्रेकआउट. सो वो मंथली रेजिस्टेंस पे है, तो वहां पे एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है. सी मेटल में भी एक छोटा मोटा करेक्शन आ गया. देखो लास्ट 5-6 दिन में फॉल्स ब्रेकआउट, जो हमने वीडियो भी बनाया था, सो इट डिडंट सस्टेन द फॉल, देयर वाज अ फॉल्स ब्रेक. मीडिया का करेक्शन तो चल ही रहा है कब से, राइट. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वहां पे भी स्ट्रांग स्ट्रेंथ सब में है, बट अब ये भाव पे बाय करना चाहिए या रिट्रेसमेंट पे या जब डिप आए तब बाय करना चाहिए. अब करंट जीएफएस, जीएफएस मतलब ग्रैंड फादर फादर सन, आज के तारीख में गुड लक ये जो स्टॉक है ये जीएफएस पे है अगर मंडे को ऑप्शन, बट थोड़ा सा 40 के नीचे गया है तो ध्यान रखना अगर कंफर्म होता है तो ही. एरियल विच इज ऑल्सो ऑन जीएफएस, सिंपल है 60-60-40. शैल बी, ये परफेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक ठाक है क्योंकि डेली चार्ट पूरा मैसी है. वेलकॉप 60-60-40, सिंपल चार्ट, सिंपल एनालिसिस. मैक्स इंडिया 60-60-40, जहां पे ये काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर, स्ट्रॉन्ग सब बराबर है. बालकृष्णा, ये एक शॉर्ट सिग्नल दिखा रहा हूं मैं आपको, ग्रैंड फादर फादर सन में कैसे दिखता है, विच इज लाइक उसका वीकली 40 के नजदीक है और डेली 40 के नीचे है और आवरली में वो 60 पे आया है, तो वहां से शॉर्ट करने. अभी मैंने जैसे बताया कि ये साल में शॉर्ट सेलिंग तो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि मार्केट वन साइडेड नहीं है और अभी तक तो नहीं है और शायद लगता भी नहीं क्योंकि इतने सारे इवेंट्स हैं, तो वॉलिटिलिटी तो 8 नंबर से जुड़ा हुआ है और 2024 मतलब 8 नंबर, सो इट्स गोइंग टू बी हाईली वॉलेटाइल एंड फॉर दैट यू नीड टू लर्न टू शॉर्ट. सो दिस इज व्हाट इट इज. सो अगर आपको ट्राई करना है, रिमेंबर शॉर्ट इज ओनली पॉसिबल इन फ्यूचर्स नॉट इन कैश. कप स्टॉक्स, KIOCL, आयरन एंड स्टील, क्या ये सेक्टर सही है अभी? नहीं, क्योंकि स्टील सेक्टर का ब्रेकआउट बराबर से हुआ नहीं, तो उसका अगर ब्रेकआउट होगा तो इसका भी होगा, तो मैं ये कैश में खरीद सकता हूँ. सो वी हैव टू वेट फॉर दिस. नेटको फार्मा विल हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट. ऑटोमोबाइल सेक्टर चल रहा है तो इसमें बिंदास कर सकते हैं क्योंकि ऑटो ऑलरेडी चल रहा है, ब्रेकआउट होने से तुरंत वी कैन एंटर. नेस्को इंजीनियरिंग में है तो ठीक ठाक है, ब्रेकआउट हो चुका है, वहां पे सपोर्ट ले रहा है, तो दैट कुड बी वन. ये तो अभी चल चुका, ये रिफाइनरी स्टॉक जो काफी सारे मोमेंटम में थे, सो नाउ वी कैन एंटर इनटू दिस. बट ये भी दोनों इफ यू लुक एट इट इज अ ब्रॉड बिगर कप और एटलीस्ट 6-7 साल का तो है 2018 से दोनों स्टॉक में, एचपी बीपी. और पर्सनली आई स्टॉप्ड ट्रेडिंग ऑयल स्टॉक्स लॉन्ग बैक, बहुत सालों पहले, क्योंकि ऑयल प्राइस जहां पे बहुत ऊपर नीचे होता था उस टाइम पे वर्ल्ड मार्केट में, तो यहाँ पे बड़े गैप अप गैप डाउन होते थे, तब से मैंने ऑयल स्टॉक्स को छोड़ दिया ट्रेड करने को. बट सो दिस इज नॉट इन माई बास्केट ऑफ ट्रेडिंग, बट ये कब तो है, ये दिखता एक्चुअली REC PFC जैसा, दोनों भाई भाई है, HPA BP, और दोनों साथ में ही चलते हैं, दोनों का ब्रेकआउट भी अच्छा है. सो डेफिनेटली कैश में ट्रेड करने में कोई हर्ज नहीं, फ्यूचर में यू शुड कैन बी अवॉइड फॉर दैट ओवरनाइट रिस्क, राइट. टैक्स रेल, रेलवे ऊपर ब्रेकआउट होकर फिर से रिवाइज नीचे आ रहा है. धन बैंक, जो अभी तक ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा, छोटी बैंक, छोटा सा स्टॉक है बट बहुत बड़ा कप है, विच इज वेरी पावरफुल. कोल इंडिया फ्रेश ब्रेकआउट, परफेक्ट.
सो ये सारे स्टॉक्स आपने देखे और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मौका है 2024 जो एक अनोखा साल है जहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन है जो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। यूएस का इलेक्शन नवंबर में और इंडिया का इलेक्शन अभी अप्रैल मई में है, दूसरा एक बजट आएगा, नंबर 8 है और लीप ईयर है, ऐसा कॉम्बिनेशन पहली बार है। और मैं आपको इसलिए इनवाइट करता हूँ कि ये वॉलिटिलिटी में अगर आपको, मैंने बताया 2023 में इफ यू मेड मनी इट वॉज मोर ऑफ लक लेस ऑफ स्किल मे बी, एंड ये साल में डेफिनेटली मोर ऑफ स्किल एंड लेस ऑफ लक विल काम करेगा। सो मतलब स्किल को बढ़ाओ और लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लर्न समथिंग अबाउट दिस ट्रेडिंग। एंड बहुत टाइम की बात किया बट आई विल मेक इट रेगुलर। यूजुअली मैं इसको फेसबुक पे ही रिलीज करता हूँ, हमारा ग्रोथ टेरेक्स ग्रोथ का ग्रुप है जहाँ पे 50,000 से ज्यादा लोग हैं, वहाँ पे फेसबुक ग्रुप के लिए आइडियल है, बट कभी कभी हम इसको यूट्यूब पे भी लगाते हैं। सो डिपेंड ऑन वेर यू आर वॉचिंग दिस। नीचे कमेंट्स में बताना डिड यू लाइक द वीकली मार्केट अपडेट, और निफ्टी में ब्रेक और मेक और ब्रेक, बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक, सेक्टर स्ट्रॉन्ग ऑटो, राइट वीक सेक्टर एफ एम सी जी, जी एफ एस और कब स्टार्टअप, बहुत सारे चार्ट अवेलेबल है बट स्लो एंड स्टेडी, ठीक है, सीखो पहले फिर आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग एंड सी यू इन ABCD। एनीबडी कैन ट्रेड 23, 24, 25, 1, 2, 3 मार्च हैप्पीनेस कोर्स, 6, 7, 8 OPL, ये तीनों एक साथ लाइन में हो रहे अगले 15 दिन में। सो डोंट मिस आउट, गो एंड चेक आउट द टिकट्स। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।